एपिसोड 1 की स्टार्टिंग थोड़ी सी इंटेंस तरीके से होती है, जिसमें हम सभी ही लोकर पर लगे हुए एक हेना नाम की लड़की की पिक्चर को देखते हैं, फोटोग्राफ को देखते हैं, जिसको लिबर्टी हाई स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने डेकोरेट करके ट्रिब्यूट किया हुआ था। बिकॉज रिसेंटली हेना ने लास्ट समर बहुत ही ट्रेजिक तरीके से सुसाइड कर ली थी, बट मरने से पहले हेना ने कुछ ऐसी 13 टेप्स रिकॉर्ड करी थी, जिसमे उन्होंने 13 रीजन बताए थे कि आखिर में क्यों और किस लिए हेना ने सुसाइड करी थी। वेल, अब हेना की मौत के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम हम सभी ही क्ले जेंसन को देखते हैं, जो कि वो हेना का एक काफी क्लोज फ्रेंड था। बट हेना के सुसाइड करने के बाद से क्ले वो पर्सनली काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि इसको पता ही नहीं था कि हेना ने सुसाइड क्यों की थी। और बस इसी ही कारण से क्ले वो कभी कभार अपनी क्लासेस भी मिस करता था, क्योंकि स्कूल आते ही इसको हेना की याद आया करती थी। वेले बेसिकली मरने से पहले हेना ने अपनी उन रिकॉर्ड्स करी हुई टेप्स को टोनी तक पहुंचाई थी, जो कि वो उसका एक बड़ा ही खास फ्रेंड था। एंड शॉकिंगली टोनी वो हेना के रिकॉर्ड्स करी हुई टेप्स में मेंशन नहीं था, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को भी बताया कि टोनी वो हेना का काफी क्लोज फ्रेंड था एंड वो उस पर ट्रस्ट करती थी। वेल, अब टोनी वो एक गार्डियन के तरह था कि अगर कोई भी इन टेप्स को नहीं सुनता है एंड नेक्स्ट पर्सन को पास नहीं करता है तो एनोमसली ये टेप्स स्कूल के सभी ही बच्चों के बीच वायरल हो जाती। तो एनीवे, सब इसी ही दिन क्ले वो स्कूल से छूटने के बाद टोनी के साथ बस अपने घर पे ही आया था, तो तभी ही उसको अपने घर के डोर के आगे एक छोटा सा ब्राउन कलर का पार्सल बॉक्स मिलता है, जिसके ऊपर क्ले का ही नाम लिखा हुआ था। तो बस अब इस अनएक्सपेक्टिंग सीन को देखते हुए क्ले वो तुरंत अपने कमरे के अंदर आकर जैसे तैसे कैची की मदद से उस बॉक्स को खोलता ही है। तो सरप्राइजली उस बॉक्स के अंदर क्ले को कुछ टेप्स वगैरह मिलती हैं, जो कि और किसी की नहीं थी बल्कि हेना की ही थी, जिसके बारे में हम अब तक एपिसोड में बात करते हुए आए थे। बट अनफॉर्चुनेटली क्ले को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये टेप्स हेना की हैं। तो मीनवाइल अब क्ले इन टेप्स को देखती हैं, बॉक्स में से एक टेप को निकाल कर सुनती हैं, अंदर से काफी ज्यादा चौंक गया था, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को भी बताया कि ये सारे रिकॉर्ड्स करी हुई टेप्स हेना की होती हैं, जिनमें वो टेप 1 के अंदर अपने पहले विक्टिम के बारे में बता रही थी, जिसका नाम होता है जस्टिन फॉयली। तो बस अब दोस्तों सीन अब यहाँ से डायरेक्टली पास्ट की तरफ मूव होता है, जहाँ पर क्ले वो इन सभी ही इंसिडेंट्स को दोबारा से रिकॉल कर रहा था। जिसमें हेना के एक फ्रेंड केटी टाउन से मूव करने से पहले लिबर्टी हाई स्कूल में पढ़ने वाले अपने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह थे उन सभी को ही वह लास्ट टाइम एक फेयरवेल पार्टी देती हैं, जिसमें ऑब्वियसली क्ले भी आया हुआ था। तो खैर, उस पार्टी के दौरान हेना केटी से कुछ फ्रेंड्स के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले हेना और उसकी फैमिली मिसेस एंड मिस्टर बेकर सैंड राइफल शिफ्ट हुए थे। तो जाहिर से ही बात थी कि हेना का टाउन में और स्कूल में कोई दोस्त नहीं बना था। तो मीनवाइल इस पार्टी के दौरान हेना वो पहली बार ब्रायस वॉकर से मिलती हैं, जो कि वो हेना से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था एंड आगे होकर अपने साथ फ्रेंडशिप करने का ऑफर देता है। पर तभी ही पास में ही खड़ी कैटी वो हेना को ब्रायस वॉकर के साथ फ्रेंडशिप करने से मना कर देती है, क्योंकि ब्रायस वॉकर वो बिल्कुल भी ट्रस्ट के लायक नहीं था। तो हाउएवर केटी वो हेना और क्ले को घर के बाहर लाकर बातचीत करते हुए ड्रिंक्स वगैरह ही पी रहे थे, तो तभी ही हेना की नजर ठीक सामने की तरफ से पार्टी की तरफ ही आ रहे हैं। जैक डम्से के साथ जस्टिन फॉले के ऊपर चली जाती हैं। तो एग्जैक्टली इसी ही चीज को नोटिस कर पास में ही खड़ी केटी, जिसको पता चल गया था कि हेना को जस्टिन मनी हिमन पसंद आ गया है, वो आगे होकर हेना को जस्टिन के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए कहती है, क्योंकि उसका रिसेंटली किसी जेसिका नाम की लड़की के साथ, जिसे हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे, उससे ब्रेकअप हो गया था। तो अब इसी ही इंटेंशन के साथ सीन डायरेक्टली केटी की पार्टी से खत्म होकर नेक्स्ट मॉर्निंग लिबर्टी हाई स्कूल के ऊपर फोकस करता है, जहाँ पर हेना वे स्कूल के अंदर ही आई थी। तो उसी ही वक्त उसकी मुलाकात एक बार फिर से एक्सीडेंटली जस्टिन से हो जाती है, जो कि वो भी स्कूल की तरफ ही आ रहा था। तो एनीवेज जस्टिन वो हेना को देख आगे होके उससे बातचीत कर अपने साथ फ्रेंडशिप करने का ऑफर देता है। तो जहाँ पर सामने ही खड़ी हेना, जैसा कि मैंने आप सभी को भी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो भी जस्टिन को केटी की पार्टी से मिलने के बाद कहीं ना कहीं लाइक करती थी, तुरंत ही उसके फ्रेंडशिप के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। तो बस देखते ही देखते स्कूल खत्म होने के बाद हेना एंड जस्टिन वो दोनों अपने फोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, ताकि घर जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ टेक्स्ट के जरिए बातचीत कर सके। तो फाइनली एपिसोड 1 के एंडिंग में जस्टिन वो कई दिनों तक हेना के साथ ऐसे ही टेक्स्ट के जरिए बात करते हुए उससे फिर से मिलना चाहता था। वो सीधा हेना को फोन करके आज रात को सिटी के लोकल पार्क में आने के लिए कहता है,
ताकि वो दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ एक वेल क्वालिटी टाइम एक्सपेंड कर सके। तो हैना वो जस्टिन की बातों को सुन अंदर से एक्साइटेड होके उससे मिलने के लिए हाँ कह देती है। तो मेन वाला सीन सीधा पार्क की तरफ ही मूव होता है, जहाँ पर जस्टिन और हैना वो दोनों मिलकर हंसी मजाक करते हुए झूले ही झूल रहे थे। तो तभी ही उसी ही वक्त जस्टिन वो अपनी पैंट की जेब में से अपने फोन को निकालकर हैना की स्लाइडिंग से नीचे आते वक्त कुछ बड़े ही अकवर्ड से फोटो खींच लेता है, जिसमें हैना की स्कर्ट ऊपर हुई हुई थी, बट इस मोमेंट के बारे में उसको पता नहीं था। एंड उसी ही बीच हम सभी ही क्ले को भी इस पार्क में देखते हैं, जो कि वो प्रेजेंट में हैना के टेप्स को सुनकर उन सभी ही इंसिडेंट्स को रिकॉल कर रहा था। तो हाफ वेवर टेप्स को सुनते वक्त हम सभी ही अचानक से टोनी को इस पार्क की तरफ आता हुआ देखते हैं, जो कि वो अकेले किले को पार्क में बैठा हुआ हैना के टेप्स को सुनता हुआ देख तुरंत ही उसको टेप की दूसरी साइड यानी कि टेप बी को सुनने के लिए कहता है। और बस इतना कहते ही वो फिलहाल के लिए इधर से चले जाता है, क्योंकि टेप ए वो अब लगभग खत्म हो चुकी थी। अब अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि टोनी ही वह कैसा बनता था जिसने सबसे पहले हैना के टेप्स को सुना था, जो कि वो अभी इस वक्त क्ले के ऊपर बेसिकली पार्क में आके काइंड ऑफ नजर रखने का काम कर रहा था कि क्ले वो बराबर टेप्स को सुन भी रहा है कि नहीं। क्योंकि मैंने आपको एपिसोड के स्टार्टिंग में बताया था कि टोनी वो एक तरीके से जो कोई भी टेप्स को सुनता था उसके ऊपर गाइडेंस का काम करता था। तो अब सीन वह लास्ट टाइम नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से लिबर्टी हाई स्कूल के ऊपर ही फोकस करता है, जहाँ पर जस्टिन व हैना के साथ लास्ट नाइट बिताए उसके फोन से खिंची अपवर्ड्स पिक्चर्स को दिखाकर, जिसमें हैना के स्कर्ट ऊपर हो रखी थी, ब्रायस होकर जैक डम से और बाकी सभी के साथ हंसी मजाक करते हुए बातचीत ही कर रहा था। तो तभी ही उसी ही वक्त ब्रायस होकर वो हैना की इन पिक्चर्स को देख जानबूझकर इंटेंशनली जस्टिन के हाथों से उसके फोन को ले स्कूल में पढ़ रहे सभी ही बच्चों को इनफेक्ट हैना को भी वो स्कर्ट वाली पिक्चर सेंड कर देता है। तो बस देखते ही देखते वो फोटो हर स्टूडेंट्स के पास हैना की वो पिक्चर एक एक कर उनके फोन में आने लग जाती हैं। तो तभी ही धीरे धीरे हर एक बच्चे मैसेज को आता देख अपने फोन को ही चेक करते हैं। तो जहाँ पर वो हैना के इस स्कर्ट वाली पिक्चर को देखते हुए बुरी तरीके से उसका मजाक बनाकर हैना को स्लट के तरह ट्रीट करते हैं, जिसमें हैना भी वो अपने इस फोटो को देखते हुए डिप्रेशन में आकर क्लास में ही रोने लग जाती है। तो एनी वैसा प्रेजेंट में ले वो हैना के टेप्स को सुनकर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि वो तुरंत ही टोनी के पास जाकर उससे इस बारे में बात करता है। तो जहाँ पर ठीक सामने ही बैठा टोनी वो क्ले की इन बातों को सुनते हुए बस उसको इतना ही कहता है कि तुम पहले सारे टेप सुनो। और बस इसी ही मोमेंट के साथ हमारा ये एपिसोड 1 ठीक इधर ही एंड होकर सीरीज के आने वाले एपिसोड 2 के लिए शुरू हो जाएगा, जिसमें हम सभी ही हैना की और उसके आने वाले विक्टिम के बारे में बात करेंगे, जो कि और कोई नहीं बल्कि जस्टिन की गर्लफ्रेंड जेसिका डेविस होती है। और दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और आप चाहते हो कि हमको इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आना चाहिए तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताना। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।